तो अभी पिछली वीडियो में हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो अभी हम लोग नए टॉपिक के साथ आ रहे हुए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, ओएसडी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस यानी कि द इट इज डिफाइंड एज द विजन फॉर ड्राइवर टू ओवरटेक अ व्हीकल। यानी कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपको बहुत जल्दी है कहाँ पर पहुँचने की, लेकिन उसी हिसाब से दूसरों को ये जल्दी होंगे ऐसा नहीं है, तो धीमे स्पीड में चलते रहेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा रहिए तो आपको ज़्यादा स्पीड से चलना है, इसलिए आपको एक गाड़ी को गाड़ी से आगे जाना रहेगा, तो उसके लिए उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवरटेकिंग। और रोड के ऊपर ये सेफली होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए उसको एक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देना चाहिए। ओके, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ओएसडी, सबसे पहले तो हम लोग उसको डिराइव करेंगे OSD के लिए। तो OSD यानी कि तीन डिस्टेंस से बना रहता है, D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, इन तीन डिस्टेंस को अगर मिलाते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस रहते हैं, तो हमको मिलता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एक्चुअली कितना होना चाहिए एक व्हीकल का एक पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं D1 के लिए फाइंड करते हैं फॉर्मूला, फिर D2 के लिए, फिर D3 के लिए, और तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल OSD हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले डेरिवेट करते हैं फॉर D1। ठीक है, D1 क्या होता है, D1 इज इक्वल टू जो थियोरेटिकल बता रहे हो, तो इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं एक ट्रैक है, वहाँ पर एक बी कार है और एक ए कार है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है लोग, तो ए कार को बी को ओवरटेक करना है। तो ओवरटेकिंग कार मेरी ए है, तो जब मैं ए बोलता हूँ तो आप समझ लेना कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग, ठीक है, रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो जनरली हमें जब रिएक्ट यानी कि ओवरटेक करना है तो 2.5 सेकंड का वक्त लगता है ये सोचने के लिए कि हमको एक गाड़ी को ओवरटेक करना है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम यानी कि 2.5 सेकंड जो रहता है, जनरली 2.5 सेकंड रहता है, लेकिन ज़्यादा नीचे हो सकता है, लेकिन एक मार्जिन या फिर आइडियल वैल्यू माना जाता है 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम के लिए, तो रिएक्शन टाइम को मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल टी से, जैसे कि पहले के समय भी किया था। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला जो आंसर बनेगा, अगर मैं इसको पाथ दिखाता आपको, ये रोड है, तो यहाँ पर कार बी है जो स्लो जा रही है, और यहाँ पर कार ए है। ठीक है, तो यहाँ से लेके इसके यहाँ तक थोड़ा एक डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि एक स्पेसिंग डिस्टेंस के ऊपर आने के बाद वो ओवरटेक करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है हमारा D1। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट पॉइंट्स है, समझ लो एक इनिशियल टाइम है मेरे पास दिया रहेगा होगा तो अच्छा है, और ये मेरा जो टाइम है T1, और ये जो यहाँ पर जो ड्यूरेशन हो रहा है, टाइम का ड्यूरेशन जो हो रहा है वो है टी, यानी कि रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम के लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी ऐसा बन सकता है, इट इज इक्वल टू T1 - T0। ठीक है, अगर आपको वैल्यू दिए रहेंगे तो, ज़्यादातर डायरेक्टली हमको रिएक्शन टाइम दिया रहता है तो फॉर्मूले यूज करने की बारी आती नहीं है। तो बेसिकली आप डायग्राम से समझ लो कि अगर ए कार बी कार के एकदम पास जब आती है एक पर्टिकुलर सेफ स्पेसिंग के ऊपर, तब उसको करना रहता है, तो जो डिस्टेंस कवर करती है उसको बोला जाता है D1, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। तो इसके लिए फॉर्मूला आसान है, इसकी वेलोसिटी रहेंगी समझ लो VA मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी VA टाइम्स टी यानी कि रिएक्शन टाइम, तो मेरे को ये D1 का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने SSD में किया था वही वाला फॉर्मूला है, जो पहला टर्म जो रहता है लैग डिस्टेंस वो यही है, D1 यानी कि लैग डिस्टेंस, ऐसे ही मान लो। तो नेक्स्ट केस देखते हैं, तो सेकेंड जो रहता है वो है D2। ठीक है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल यानी कि ए ड्यूरिंग ओवरटेकिंग। ठीक है, ओवरटेक करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं D2। ठीक है, तो अगर मैं वापस से डायग्राम बना पा एक मान लेते हैं, ये मेरा डायग्राम है, ठीक है, टू लेन डायग्राम है, ये है मेरी कार बी, ये है मेरी कार ए। ठीक है, अभी वो मूव करने वाली कुछ इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ से अभी
यहाँ पर, तो यहाँ पर वापस आई, वो कार है जो आने वाली है, ठीक है, बेसिकली ये रहे। तो यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और ये जब ओवरटेक करेगी तब ये कार भी थोड़ी मूव करेगी आगे, तो समझ लो कि कार भी यहाँ तक आ जाती है, ओके। तो यहाँ से लेके ये और ये डिस्टेंस, ये जो रहती है वो होती है सेफ स्पेसिंग, जिसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। और जो कार बी को एकदम बाजू में, जब कार रहेगी ये बी और ए है, जब बाजू में रहेगी तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो रहता है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि वी बी इंटू टी। ये व्हीकल का जो वेलोसिटी रहेंगे, और जो ओवरटेकिंग टाइम, इसको मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ, तो ओवरटेकिंग टाइम में जो टाइम लगेगा उससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा बीच वाला डिस्टेंस मिलता है ओवरटेकिंग टाइम का, तो सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा डी टू, ठीक है। तो डी टू के लिए वैसे फॉर्मूला बन जाता है टू एस प्लस वी बी इंटू टी। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला फॉर वी टू, टू इज इक्वल टू वी बी इंटू टी प्लस टू एस, ठीक है। यहाँ पर एस की जो वैल्यू रहती है वो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिराइव है, 0.7 टाइम्स वी बी, यानी कि जो वेलोसिटी रहेगी कार की, प्लस 6, तो ये होती है स्पेसिंग की, जो सेफ स्पेसिंग, यानी कि कार को जब ओवरटेक करने से पहले जो स्पेस रखनी पड़ती है वो है ये वाली स्पेसिंग, और कार को ओवरटेक करने के बाद भी एकदम उसके सामने से नहीं खड़े हो जाना है, वहाँ पर भी एक अच्छा एक बराबर से स्पेसिंग रखनी है, तब उसके आगे जाना है, तो वाली स्पेसिंग के लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम लोग इक्वेट करते हैं डिस्टेंस को, यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस हमको यहाँ पर मिला है, और उसी डिस्टेंस को अगर हम एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी देखेंगे, ठीक है, तो हमको ये अननोन टी जो है, सॉरी स्मॉल टी नहीं है, ये कैपिटल टी रहता है, ठीक है। तो कैपिटल टी जो है, तो उसको उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। तो टू एस प्लस वी बी इंटू टी, वी बी इंटू टी कैन बी इक्वेट हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर क्या रहेगा, जो हमारा टाइम ओवरटेकिंग टाइम है, टी स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मैं मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, तब जाके हमको मीटर में डिस्टेंस मिलेगा, जो कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, ठीक है, वो एग्जैक्टली इसका हाफ रहने वाला है, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर नहीं होने वाला, हाफ ही होने वाला है। तो अगर मैं और प्लस वी बी इंटू टी, तो डिस्टेंस पहले से ही है, तो दोनों बाजू से हम वी बी इंटू टी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो टू एस इज इक्वल टू 80 स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको अगर मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करता हूँ, टी के लिए फॉर्मूला बनाता हूँ, तो 2 इंटू 2 4 एस अपॉन ए, जो कि अंडर रूट में, तो ये वाला एक फॉर्मूला बन जाता है फॉर टी, ओके। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4s अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे डी टू कैलकुलेट करते समय, ठीक है। फिर थर्ड डी थ्री आता है, तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी। डी वन कैलकुलेट करते हुए मैं वेलोसिटी ऑफ कार ए को कंसिडर किया है, हालांकि वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कार बी को कंसिडर करना है, क्योंकि जब रिएक्शन टाइम जो होता है, यानी कि ये जो कार बी है और वहाँ पर कार ए मेरी आ रही है, तो ये फोर्सली उसको कार बी की वैल्यू को ही मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 14 km/h है और ये 19 km/h है, तो ज़्यादा हो जाता है तो पहले से ओवरटेकिंग नहीं होने वाला, सबसे पहले तो वो 14 km/h पे ही चलने वाली है, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन होगा कुछ 45-90 समझ, यहाँ पर 90 km/h होगी, फिर इसके बाद में जो वेलोसिटी रहेंगी वो होंगी, लेकिन फिलहाल जब स्टार्टिंग में रहेंगी वो जो बी की रहेंगी वही कार की हमको अज्यूम करना है, ठीक है, 2.5 सेकेंड के लिए। इसलिए जो डी वन का जो फॉर्मूला आता है, इसलिए वो है वी बी इंटू टी। फिर कैलकुलेट करते हैं हम लोग डी थ्री के लिए, तो डी थ्री इज द डिस्टेंस ऑफ ऑनकमिंग व्हीकल, ठीक है। तो वापस से मैं रोड दिखाता हूँ, तो ये है रोड, मेरी कार ये यहाँ पर थी, कार बी यहाँ पर है, ठीक है। तो कार ए और बी के जो ओवरटेकिंग का जो प्रोसेस है वो किसको अफेक्ट करने वाला है, जो कार ये सामने से आने वाली है, यानी कि मान ले तो यहाँ से कार सी आ रही है, जो सामने से कार आ रही है, अगर ये यहाँ पर कार ये वाली लेन को यूज करते हैं, तो कार सी पे हेड ऑन कॉलिजन होने की चांसेस है, इसलिए उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस देना पड़ेगा, जो कि होगा डी थ्री, ठीक है।
तो यहाँ पर इट इज नथिंग बट द SSD, यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमको प्रोवाइड करना है सी के लिए, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हम लोग को फॉर्मूला पता है कि लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर सी कोई ब्रेक दबाने वाला नहीं है इसलिए ब्रेकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर सी का जो डिस्टेंस जो लगने वाला है वो रहेगा डायरेक्टली लैग डिस्टेंस, और लैग डिस्टेंस क्या रहता है वेलोसिटी इंटू टाइम्स। तो वेलोसिटी यहाँ पर होंगी वेलोसिटी ऑफ सी, और टाइम जो रहेगा वो होगा ओवरटेकिंग टाइम। यहाँ पर कितना टाइम के लिए रहने वाली है, जो ओवरटेकिंग टाइम है जो कि है कैपिटल टी के टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं डी थ्री के लिए फॉर्मूला आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है, डी थ्री विल बी इक्वल टू वी सी इंटू टी, ठीक है। और कैलकुलेटर अगर आपको डायग्राम में देखना है तो ये कुछ यहाँ से ऐसे जाने वाली आ रही है और यहाँ से यहाँ तक आने वाली है, तो ये ए, तो यहाँ पर जो डी थ्री यहाँ पर बनता है, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन रोकने के लिए, ठीक है। तो डी थ्री विल बी वी सी इंटू टी, तो तीनों का फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिल गया। तो डी थ्री इज वी सी इंटू टी, तो डायरेक्टली अभी हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। डी वन है वी बी इंटू रिएक्शन टाइम, फिर यहाँ पर वी बी इंटू टी प्लस टू एस प्लस वी सी इंटू टी, वेयर एस इज इक्वल टू 0.7 वी बी प्लस 6। वी बी यानी कि जो ओवरटेकन व्हीकल, ठीक है, जिसको ओवरटेक करना है। वी ए यानी कि जो गाड़ी ओवरटेक करने वाली है, और वी सी ऑनकमिंग व्हीकल की वेलोसिटी। तो वी के लिए फॉर्मूला और टी के लिए फॉर्मूला जो है 4s/a, ठीक है। तो बस ये होता है डेरिवेशन ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक ही सॉल्व करने वाले हैं जिसका आपको जनरल आइडिया आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, इसमें कंडीशन ऐसे हो सकती है कि ओएसडी हमको पता है कि डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री है। अगर हमारे पास जो रोड है, ठीक है, वो टू वे लेन जो है वो अगर वन वे ट्रैफिक का होगा, यानी कि ट्रैफिक खाली ए बाजू में जा सकती है, ये वाली बाजू में गाड़ी आने की अलाउड नहीं है, ठीक है, कार ए है कार बी है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर जो लगेगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए वो होगा खाली डी वन प्लस डी थ्री, क्योंकि ऑनकमिंग व्हीकल कुछ है ही नहीं, ठीक है। वी सी इज इक्वल टू जीरो, तो वी सी इज इक्वल टू जीरो यानी कि ओएसडी इज इक्वल टू डी वन प्लस डी थ्री। तो ये एक बात आपको याद रखनी है, जब वन वे ट्रैफिक जब रहेगा, लेन भले कितने भी हो, वन वे ट्रैफिक कितना होगा, वन वे ट्रैफिक अगर है तो ओएसडी इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर टू वे ट्रैफिक है, भले रोड सिंगल हो या टू लेन हो, तो आपको ओएसडी आपको डी वन डी टू और डी थ्री तीनों भी फाइंड करना, ठीक है। अभी इसी टॉपिक में यानी कि ओएसडी अगर हम लोग फाइंड करते हैं, तो और एक टर्म जब आता है, एक नया टर्म भी रहता है इसके अंदर, जो कहता है ओवरटेकिंग जोन, ठीक है, जोन यानी कि इलाका, ठीक है, रोड पर ऐसा कौन सा इलाका है जिसको हम ओवरटेकिंग जोन कहेंगे, ठीक है। तो अगर ये रोड है, ठीक है, तो यहाँ पर ओवरटेकिंग जोन को थोड़ा मोटा करना पड़ता है, यानी कि रोड विथ थोड़ी मोटी हो जाती है यहाँ पर, कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगी ओवरटेकिंग जोन। तो ये जो मोटा इलाका रहता है वो होता है ओवरटेकिंग जोन, ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन स्ट्रेट ही रहता है, ये ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो ओवरटेकिंग जोन की जो डेप्थ रहती है, यानी कि लेंथ जो रहती है, वो होती है 3 to 5 times ऑफ ओडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस 3 to 5 times देना पड़ता है, मिनिमम 3 times है, मैक्सिमम 5 times है, ठीक है। और इसी हिसाब से यहाँ पर साइड पोस्ट डालना पड़ता है, अगर मान लेता हूँ मेरी गाड़ी यहाँ से आ रही है, ये वाली यानी कि टू वे ट्रैफिक है, ठीक है, यहाँ से, और ये वाली गाड़ी यहाँ से जाने वाली है, ठीक है। तो ओवरटेकिंग ओवरटेकिंग जोन के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर एक साइन पोस्ट देना पड़ता है, और ख़त्म होने के पहले साइन पोस्ट देना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ पर शुरू होने से पहले साइन पोस्ट, और यहाँ पर एंड होने से पहले साइन पोस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इसको भी आपको इंडिकेट करना करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो बस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का टॉपिक बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।